आपको अपना काम भी बताना होगा। हम लोग किसी भगवान के विरोधी नहीं है, राम मंदिर के विरोधी हम लोग नहीं है कि राम जी का मंदिर बना के और धर्म के नाम पर वोट लेंगे, ऐसा और राजद के लोग हम लोग चलने नहीं देंगे। आप भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं, भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं और भगवान भी चाह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत हो, क्योंकि भगवान को ईश्वर को और धर्म को ही लोग लेके पार्टी पॉलिटिक्स में डाल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए 2024 के चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां तेजी से चल रही है। बिहार की तमाम पार्टियां अब जनता के बीच जाने की तैयारी में है, चुनावी मोड में है। और ऐसे में बात महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी की करें तो आरजेडी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और साथ ही साथ बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा बनाकर बिहार के जनता के बीच जाने की बात भी कह रही है। तेजस्वी यादव जिन मंचों से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तेजस्वी केंद्र की सरकार पर कई अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। लेकिन ऐसे में बात मोतिहारी की करेंगे हम। देखिए मोतिहारी में जो आरजेडी के विधायक हैं कल्याणपुर से मनोज यादव, वो जिलाध्यक्ष बने और इसके बाद मोतिहारी की मेयर प्रीति गुप्ता की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। आरजेडी नेता देवा गुप्ता के आवासीय परिसर में आरजेडी विधायक व जिलाध्यक्ष मनोज यादव के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। देर रात तक ये समारोह चला और इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सहित बिहार बीजेपी पर आरजेडी के नेता हमलावर दिखे। लेकिन इस दौरान आरजेडी के विधायक व जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने साफ तौर पर कहा कि राम के नाम पर वोट क्यों, आपको मांगना है तो महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर मांगिए ना। बीजेपी पर हमलावर मनोज यादव ने यहां तक कह दिया कि भगवान भी भाजपा से परेशान है। क्या कह रहे हैं मनोज यादव, जरा वो सुनिए। आपको अपना काम भी बताना होगा। हम लोग किसी भगवान के विरोधी नहीं है, राम मंदिर के विरोधी हम लोग नहीं है, हम लोग सबको मानते हैं, सभी धर्म को। आप चाह रहे हैं कि राम जी का मंदिर बना के और धर्म के नाम पर वोट लेंगे, ऐसा और राजद के लोग हम लोग चलने नहीं देंगे। आप भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं, भगवान के नाम पर वोट मांगिएगा। आपको गैस के नाम पर वोट मांगना होगा, सिलेंडर के महंगाई पर वोट मांगना होगा, बेरोजगारी पर वोट मांगना होगा, किसान की आमदनी अब दुगुना किए कि नहीं इस पर वोट मांगना होगा। सबका पक्का का मकान बोले थे बनाने के लिए, इस पर बोलिए कि बनाए कि नहीं बनाए। कि टिफिन क्रियर में रोटी भुजिया खाने से वोट नहीं मिलेगा आपको अपने काम पर। आप तो भगवान को ही बदनाम कर रहे हैं, हम लोग भगवान भी आप लोगों से परेशान हो रहे हैं और भगवान भी चाह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत हो, क्योंकि भगवान को ईश्वर को और धर्म को ही लोग लेके पार्टी पॉलिटिक्स में डाल दिया है और भगवान के भी सम्मान में लोग ठेस पहुँचा। हम तो भगवान को हम लोग मानने वाले हैं, सभी धर्म को हम लोग मानते हैं, ये लोग उसके आधार पर वोट मांग रहा है और लोग जागरूक हो गया है। जब भी लोग धर्म का नाम लेगा, भारत पाकिस्तान का नाम लेगा, अपना काम नहीं बताएगा लोग, तो लोग अब जूझ रहा है, लोग गुस्सा में है, लोग इन लोग का कड़वा जवाब दे रहा है, लोग गांव में क्षेत्र में लोग घूमने नहीं देगा। तो आरजेडी के विधायक मनोज यादव को आप सुन रहे थे। मोतिहारी में आरजेडी विधायक सह जिलाध्यक्ष का स्वागत समारोह का आयोजन मोतिहारी की मेयर प्रीति गुप्ता की ओर से किया गया था और इस मौके पर मेयर प्रीति गुप्ता के पति देवा गुप्ता ने भी केंद्र की सरकार पर हमला बोला। लेकिन इस बीच आरजेडी के विधायक मनोज यादव को आप सुन रहे थे। मनोज यादव ने कहा है कि ईश्वर भी परेशान है भाजपा से। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।